नमस्ते। वोशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ माइज़र के बारे में, और कार्ड ऑफ माइज़र को हम कंपेयर कर रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो माइज़र में जाने से पहले थोड़ा बहुत फोर ऑफ पेंटिकल्स को समझेंगे। फोर नंबर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए होता है। ये एक ऐसा नंबर है जहाँ पर आपको स्थिरता मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन साथ में एक खतरा भी मिलता है। जितने भी सूट्स हैं उसमें जब भी आप चार नंबर देखते हैं उसमें आपको स्थिरता दिखेगी, लेकिन उस स्थिरता के साथ उसमें एक छुपा हुआ एक मैसेज भी होता है, एक आने वाले खतरे का। पैंडेमिक का टाइम 2020, वो भी नंबर चार था। उस वक्त आप अपने घर पे थे, सिक्योरिटी थी आपके पास, लेकिन वो आने वाले खतरे की तरफ जो है इशारा कर रहा था। पैंडेमिक एक ऐसा टाइम था जिसने आपको अपनी रियलिटी फेस करने के लिए मजबूर कर दिया। पैंडेमिक के बाद चीज़ें जो थी वो डिफरेंट हो गई। पैंडेमिक से पहले आप लाइफ को एक ढंग से जी रहे थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद लाइफ बिल्कुल दूसरी हो गई। सर, चार नंबर के महत्व बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार नंबर जो है आपको स्थिरता देता है, लेकिन आने वाले खतरे की तरफ भी इशारा करता है, जो कि फोर ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स में हम देख सकते हैं ये आदमी एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर सब कुछ स्थिर, जहाँ पर उसकी लाइफ में एक स्थिरता है। जो भी धन उसको चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो उसके पास है, लेकिन ये व्यक्ति ये भूल गया है कि वो धन क्यों इकट्ठा कर रहा है, और अब वो उसको इकट्ठा करने में लग गया है खर्च करने के बजाय। इसलिए फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत मैच करता है द कार्ड ऑफ माइज़र के साथ। माइज़र यानी कि कंजूस, और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स में भी जिस व्यक्ति को हम दिखा रहे हैं उस व्यक्ति के पास बहुत है, लेकिन वो ये भूल गया है कि इसका क्या करना है, कि इसका पर्पस क्या था। वो बस अपनी तिजोरियों को भरने लग गया है, लेकिन तिजोरियों को भरने का पर्पस क्या था? पर्पस एक ही है, लाइफ। और अगर आप लाइफ के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर चाहे धन हो या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन को जी रहा है एक अच्छे ढंग से, उसके अंदर एक ज़िंदापन है, वही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो हम इस कार्ड में देख सकते हैं ये आदमी जो है वो अपने हाथ में जो उसने पेंटिकल पकड़ा उसको बहुत कस के पकड़ा हुआ है, और उसके सर पे भी पेंटिकल है और पैरों पे भी पेंटिकल है। एक अच्छी स्टेट जो है उसकी लाइफ में आ गई, लेकिन उसने जो है उसका मिसयूज़ कर लिया। ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी फोर ऑफ पेंटिकल्स की। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ माइज़र की। माइज़र की भी जो फिगर है वो फोर ऑफ पेंटिकल्स से बहुत रिजेंबल करती है। माइज़र की फिगर में हमने एक वुमन को दिखाया है जिसने अपने आप को जो है एक किले के अंदर जो है बंद कर लिया है, और उस किले में उसका सारा धन और सुविधाएँ जो हैं सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल्स की तरह ही ये फिगर भी जो है एक्यूमुलेशन में लग गई है, सिर्फ इकट्ठा करने में लग गई है, और ये भूल गई है कि इसको जो है उसने इस्तेमाल भी करना था। और ऐसा करते करते उसके अंदर एक कुरूपता आ गई है, और कुरूपता का कारण सिर्फ ये है क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो जकड़ के बैठ गया है जो उसके पास है, और वो शेयर नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही आप एक शेयरिंग की स्टेट में आते हैं, जब आप कुछ भी शेयर करना शुरू करते हैं, जब आप जो है अपने आप को ढीला करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, वो वक्त ऐसा है कि जब आप जो है सुंदर होना शुरू हो जाते हैं। जब भी सिमटेंगे, डरेंगे तो कुरूप हो जाएंगे, जब भी खुलेंगे, फैलेंगे, बांटेंगे तो सुंदर हो जाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखने की है, कुछ भी अगर आपकी ज़िंदगी में है, कुछ भी आपने इकट्ठा करा है, सिर्फ एक छोटी सी एक मेमोरी जो है हमेशा अपने साथ रखने की बात है कि ये भी आपसे ले लिया जाएगा, कि आप जो है यहाँ पे एक बहुत ही थोड़े समय के लिए हैं। इसलिए अपने अंदर गांठे मत पैदा होने दीजिए, अपने आप को मुक्त रखिए, अपने आप को बांटने की स्थिति में रखिए। क्योंकि जब आपको एक चीज़ की रियलाइजेशन होनी शुरू होती है कि आप जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए ही हैं, और जो आपने इकट्ठा करा है वो भी जो है आप यहीं छोड़ जाएंगे, तो भीतर जो है एक देने का भाव जो है वो क्रिएट होता है। दान की महक से भरे जीवन का आंगन, सच्ची भक्ति में बचता है एक अनहद भंगन, उदारता का मंत्र जैसे अमृत की धार, सार्थक बनाता है ये संसार, बांटे जो व्यक्ति वही पाए अनंत, होता जीवन संगीत नहीं कोई विरांत, प्रेम और शांति से भरा हो हर कोना, सांझा सुख सांझा दुख ना हो कोई अकेला, सत्य और धर्म का यही है संदेश, उदारता ही द्वार है अध्यात्म के महल का आकेश, बांटना सीखे सो जाने आत्मा की भाषा, सिद्धार्थ दे ये संदेश टैरो की भाषा, उदारता और भक्ति जैसे दो पंख एक पंछी के, उड़ान भरेंगे जब मिलकर होगा अनुभव असीम, जो बांटे वही पाए यह रहस्य है सजी। तो जीवन ने आपको इतना कुछ दिया है,
अगर हम उसको गिनना शुरू करें, भीतर जो है एक बहुत धन्यवाद का भाव हो जाता है। तो जब दिखता है कि इतना दिया है तो फिर भीतर से बांटने का भाव भी आता है। द कार्ड ऑफ माइजर और द कार्ड ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स का गहरा मैसेज यही है कि उस कुरूपता से बचें, कि एक्युमुलेशन से बचें, कि सिर्फ इकट्ठा करना है, उस भाव से जो है ना अपने आप को जो है मुक्त करें, क्योंकि वो भाव आपको जो है अंधेरे में लेके जा रहा है, आपके होने को नष्ट कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने आप को अलग मानता है उसके लिए जो है देना बड़ा कठिन होता है। उसको लगता है कि अगर वो देगा तो वो खुद गरीब हो जाएगा, कि ऐसे देते देते जो है एक दिन वो खुद भिखारी हो जाएगा। और देने से चाहे धन कम होता हो, लेकिन ना देने के कारण जो है आपके भीतर जो है एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, और जिसके कारण आपको भी मिलना बंद हो जाता है। तो मैं धन से भी ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ एक ऊर्जा की, एक प्रेम की ऊर्जा की। और वो प्रेम की ऊर्जा कुछ ऐसी है, वो आप जितना बांटते हैं उतना वो बढ़ती है। यहाँ पे कोई भी इतना गरीब नहीं कि उसके पास प्रेम की संपदा नहीं, सभी बांट सकते हैं, और जो बांट नहीं सकता उसको मिलता भी नहीं है। तो प्रेम का जो है एक छोटा सा नियम है कि जो देता है उसको मिलता है, और बहुत मिलता है, अनंत अनंत स्रोतों से जो है उसकी जो है झोली भर जाती है। और जीवन जो है जीने का नाम है, बटने का नाम है। तो अपनी खिड़कियों को खोलना है, उस प्रभु के सूरज को जो है भीतर आ जाने देना है, उसकी हवा को जो है आपको छू लेने देना है, वो जो चांद और सितारे हैं उनके साथ जुड़ना है। फिर चाहे जीवन छोटा हो या लंबा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप भीतर से जीवित हैं तो। क्योंकि वो जीवित व्यक्ति जो है अपने आप को जो है इस क्षण में, इस मोमेंट में पाता है, और इस क्षण में जो है एक तरह की संपूर्णता है, एक कंप्लीटनेस है जिसको जो है वो अनुभव करता है, जिसके साथ जो है वो जुड़ना शुरू हो जाता है। ये बात आपको पता होगी कि अगर कुएं को जो है आप बंद कर दें और सिर्फ सोचें कि इसको जो है सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा, इसको कोई और जो है पिए ना, आप देखेंगे जब आपका वक्त आएगा पीने का तो उसका जो पानी है वो जहरीला हो जाएगा, वो पीने लायक नहीं बचता। तो कुआं जो है लगातार उसमें जो है पानी जो है निकल रहा है, भर रहा है, इस प्रोसेस के अंदर जो है वो पानी जो है पीने लायक रहता है, शुद्ध रहता है, वो धरती के गहरे सोर्सेस के साथ जुड़ा रहता है। तो उसी तरह से प्रेम भी है, जितना आप बांटते हैं उतना जो है वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और इस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। इस प्रोसेस में जो है आप और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है कि आप कभी खाली हो ही नहीं सकते, आप अनंत अनंत स्रोतों के साथ जो है आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई है। ऐसा वक्त कभी भी नहीं आता कि जब आप जो है अपने आप को खाली पाएंगे, क्योंकि प्रभु का स्वभाव जो है पूर्णता का स्वभाव है, कि खाली होके भी जो है वहाँ पे एक पूर्णता है जिसको हम अनुभव करते हैं। तो डरिए मत, अपने आप को बचाइए मत, और जितना बांट सकते हैं अपने आप को बांटे, जिसको प्रेम दे सकते हैं उसको प्रेम दे, जो भी अपने हृदय से जो भी आता है उसको बांटे। और इस बात का इंतज़ार करना बंद कर दीजिए कि लोग आपको प्रेम करें। सब के सब यही कहते हैं कि उनको कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं किसी को प्रेम नहीं करता, तो दूसरे का इंतज़ार क्यों करना। जैसे आपके भीतर एक मांग है प्रेम की, वैसे ही दूसरे के भीतर भी है। और इस मौके को आप मत छोड़िए, आप प्रेम करिए, आप अपनी तरफ से जो दे सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करिए। इस करने में आपको जीवन के श्रेष्ठ अनुभव जो हैं घटित होंगे, और आप देखेंगे जितना प्रेम आप बांटते हैं उतना ही जो है डबल ट्रिपल होके जो है सब जगह से आपकी तरफ आता है। ये कहानी जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है। वो अपनी मृत्यु की छैया पे थे, उनकी मृत्यु का समय करीब था, उनके पास उस वक्त कोई था और उन्होंने पूछा कि आपकी तो मृत्यु बहुत सुंदर होगी, आपने 6000 गीत लिखे हैं और कितने लोगों को आपने तृप्ति दी है अपने गीतों से, तो आपके अंदर ज़रूर जो है एक बहुत गहरा संतोष होगा, आप तो बहुत तृप्त मर रहे होंगे। और जब वो व्यक्ति ये बात कर रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों से जो है आंसू झरझर बहने लगे। वो आदमी भी हैरान हुआ, उस आदमी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या आपको जो है चोट पहुंचाई, मैंने कुछ गलत बोला। रविंद्रनाथ ने बोला कि अब मेरा जाने का समय हो गया है, और मैं ये देखता हूँ कि अभी भी मेरे पास बांटने को बहुत कुछ है, अभी भी जो हैं कविताएं जो हैं मेरे भीतर से जो है जन्म ले सकती हैं, लेकिन अब जो है जाने का समय आया। और जैसे जैसे जो है समय बीत रहा है,
उसकी और सुंदर कृतियाँ जो हैं मेरे सामने जो हैं प्रकट हो रही हैं। तो मुझे दुख है इस बात का कि मैं जो है उनको बांट नहीं सकूँगा। और मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है, मृत्यु तो सभी को आनी है, लेकिन मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ कि जहाँ पे जो है कविता जो है मुझ में जन्म लेती है। मेरे भीतर जो है एक ऋषि की स्थिति है कि कविता जब मेरे भीतर जन्म लेती है तो वो सिर्फ कविता ही नहीं होती, मैं साथ में उसको जीता भी हूँ। वो कविता मेरे जीवन से बाहर आती है। और अभी एक समय कुछ ऐसा आ रहा था कि जैसे कि परफेक्शन का टाइम आता जा रहा था, कि जैसे जैसे जो मैं कहना चाह रहा था वो प्रकट हो पा रहा था, उसको मैं क्रिएट कर पा रहा था, उसको मैं बोल पा रहा था, लेकिन मृत्यु के कारण अब शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस छोटी सी कहानी के पीछे एक ही मैसेज है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बांटा, उनके पास अपूर्व संपदा थी जिसको उन्होंने लुटाया, और एक एक कविता जो उन्होंने लिखी वो अपने आप में इतनी सुंदर है, एक एक कविता अपने आप में हीरा है। रविंद्रनाथ टैगोर जानते थे कि बांटना क्या है, कि बांटने में क्या उनको मिल जाता है वापस। तो बांटना एक तरह का स्वार्थ था, और ये एक ऐसा स्वार्थ है कि जो कि बहुत पॉजिटिव है, और ये स्वार्थ कुछ ऐसा है जो बांट के जो है दूसरे को भी मिल जाता है और खुद को भी मिल जाता है। तो इस वीडियो का भी उद्देश्य यही है कि अपने आप को क्रूरता से बचाएं और बांटने की सुंदरता की तरफ जो है चलें, शेयर करें अपनी ज़िंदगी को। और याद रखिए, बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा जो एक आपको जो इल्यूजन है, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके पास वक्त है, वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो वक्त बहुत लिमिटेड है, उसका जो है सदुपयोग कर लीजिए। इस छोटे से वक्त में अपने आप को जान लीजिए और जीवन के साथ जुड़ के जो है अपने आप को बांटिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।